चाय के साथ बिस्किट खाना ये तो एक पुराना रिवाज है, यानी कि दादाजी भी करते होंगे और उनका आज का रॉकस्टार पोता वो भी ऐसे ही करता होगा। इसमें कोई भी जनरेशन गैप नहीं है। और फिर आजकल तो बाजार में बिस्किट के तरह तरह के फ्लेवर्स मिल जाते हैं, पर घर में बने बिस्किट या फिर कुकी का अंदाज ही कुछ और होता है। तो आइए बनाते हैं हम रेजिन एंड ओटमील कुकीज। ओटमील एंड रेजिन कुकीज बनाने के लिए हम लेंगे एक बाउल में सबसे पहले मक्खन लगभग 155 ग्राम और उसमें मिलाएंगे हम 175 ग्राम ब्रेकफास्ट शुगर। तो सबसे पहले हम मक्खन ले लेते हैं। इसमें हम लेंगे 175 ग्राम ब्रेकफास्ट शुगर और अब इनको मिक्स कर लेते हैं और इनको अच्छे से मिलाने के बाद अब इसको हम एक इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर लेंगे जब तक कि जो चीनी है वो अच्छे से घुल जाए इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा मिक्सचर है उसका रंग थोड़ा सा हल्का हो गया है, थोड़ा लाइट और फ्लफी भी हो गया है। अब इसमें मिलाते हैं हम हनी। इसमें लगभग हम 75 ग्राम शहद डालेंगे। हनी को मिलाने के बाद एक बार हम फिर से इसको मिला लेंगे। अब इसमें तमाम सूखी चीजें डालेंगे, अभी एक गीली चीज डालनी है। पहले इसमें हम 225 ग्राम मैदा डाल लेते हैं और मैदे के साथ ही इसमें डालेंगे हम बेकिंग सोडा। लगभग एक चम्मच हमने छोटा वाला बेकिंग सोडा और 225 ग्राम मैदा इसमें डाला और साथ ही में हम डालेंगे दो चुटकी नमक। और इसके बाद बारी आती है इसमें ये एनर्जी और ताकत से भरपूर ओट्स डालने की। इनको एक बारी हम पहले कट एंड फोल्ड मेथड से मिला लेते हैं, यानी कि एक बारी इसको घुमाइए और मिक्सचर को बीच में से काटते हुए फिर से घुमाइए और इस तरह से इसको मिला लीजिए सब चीज़ों को। तो मिक्सचर हमने मिक्स कर लिया है, अब इसमें डालते हैं दूध ताकि इसकी अच्छे से बाइंडिंग आ सके। और यदि थोड़ा दूध चाहिए होगा तो हम डाल लेंगे इसमें और इसको एक डो का रूप देंगे। तो इसको मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने से पहले हम इसमें किशमिश मिलाएंगे यानी कि रेजिन्स। इसमें हम डालेंगे 90 ग्राम किशमिश, आप चाहें तो इसकी जगह पे ब्लैक करंट्स भी डाल सकते हैं। और इनको मिला लेते हैं एक बारी फिर से ऐसे कि हम गूंथते हैं डो। मॉइस्चर जहां भी कम लगे वहां पे हम थोड़ा सा दूध और बढ़ा सकते हैं। तो लीजिए हमारी डो तो तैयार हो चुकी है ओटमील और रेजिन कुकीज की और अब बनाते हैं इससे हम छोटी छोटी गोलियां। लेकिन उससे पहले मैं ट्रे लेके आता हूँ अवन की और इसके ऊपर हम बिछा लेते हैं एक बटर पेपर और इसके ऊपर हम बनाएंगे छोटी छोटी कुकीज की गोलियां इस तरह से। और इसके ऊपर लगाएंगे एक रेजिन और इस तरह से हम बना लेते हैं सभी छोटी छोटी कुकीज के पोर्शंस और उनके ऊपर एक एक रेजिन। और इनको बेकिंग ट्रे में लगाने के बाद अब बारी आती है बेक करने की। बेक करने के लिए मैंने अवन को पहले से ही 170 डिग्री सेल्सियस के ऊपर प्रीहीट यानी कि गर्म करके रखा हुआ है। इसको लगेंगे लगभग 20 मिनट बेक होने के लिए, तो मैं इसको डालता हूं ओवन के अंदर पकाने के लिए। तो बस 15 से 20 मिनट का इंतजार और हमारी ओटमील यानी कि जो की कुकीज तैयार हो जाएंगी। बड़ी पौष्टिक और काफी हेल्दी कुकीज हैं ये, तो वेट करते हैं इसका बेक होने का। तो लीजिए हमारी ओटमील की यानी कि जो की कुकीज तैयार हैं, काफी पौष्टिक होती हैं ये। अब आप एक गर्मा गर्म प्याली चाय की लीजिए और उसके साथ इसको एंजॉय कीजिए और आई एम श्योर आप इसको जरूर बनाकर देखेंगे। लेकिन उससे पहले इसका एक रिकैप देख लेते हैं।
ओटमील एंड रेजिन कुकीज बनाने के लिए एक बड़े बोल में 155 ग्राम मक्खन 175 ग्राम कैस्टर शुगर डालकर बीटर की मदद से क्रीमी होने तक इसे बीट कर लें। फिर 1/4 कप शहद डालकर अच्छे से मिला लें। अब इसमें 225 ग्राम मैदा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 कप ओट्स, 1/2 कप किशमिश, 50 ml दूध और 2 चुटकी नमक डालकर अच्छे से मिला लें और एक डो तैयार कर लें। डो को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दें। अब तैयार डो से कुकीज़ की शेप में गोलियां बना लें और उन्हें बेकिंग ट्रे में डालकर हर कुकी के ऊपर एक किशमिश लगाकर थोड़ा सा प्रेस कर लें। पहले से गर्म ओवन में 170 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट के लिए बेक करें और ठंडा होने के बाद इन्हें इस्तेमाल करें।